नगर पंचायत पागबड़ा के मुख्य बाजार शनिवार का बाजार में पसरी गंदगी को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा रोष प्रकट किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना था कि आज जुमे का दिन है, इस रोड पर मुख्य रूप से नमाजी जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन इस गंदगी के चलते सभी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत करने के बाद भी नगर पंचायत प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। समय रहते अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में इस समस्या को लेकर आंदोलन किया जाएगा। पागबड़ा के मोहल्ला शनिवार का बाजार के स्थानीय निवासी शाहनवाज अंसारी द्वारा कहा गया कि आज सुबह से ही इस पूरे इलाके में सफाई व्यवस्था को नहीं देखा गया। जुमे का दिन होने के चलते नमाजियों की संख्या जामा मस्जिद के बाहर तक दिखाई दे रही थी, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन द्वारा इस समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इसकी शिकायत जिला स्तरीय अधिकारियों से की जाएगी। समस्या का समाधान कराया जाना तत्काल बहुत जरूरी है। रमजान का महीना चल रहा है और ये गंदगी क्षेत्र में बीमारी फैलाने का काम कर रही है। सिटी चैनल से बात करते हुए क्षेत्रवासियों द्वारा बताया गया, पागबड़े में रहते हैं, क्या समस्या है? समस्या यह है कि धर्म सब एक है, किसी का ही धर्म होता, सब त्योहार सब खुशी से मनाए जाते हैं। अब ईद का मौका है, रमजानों का महीना चल रहा है, अब जुमे के दिन भी यहाँ गंदगी के से झेलना पड़ता है। इधर आज पन्नी वगैरह ये सब उड़ती हैं, नमाजियों को परेशानी होती है किस तरह। और उधर अलविदा आने वाला है, क्या मांग रहेगी? मांग यह है कि यहाँ का कूड़ा सफाई साफ सुथरी हो जाए, जिससे कि किसी आने जाने वाले बंदे को या नवाजी को परेशानी ना हो, जो कि और जगह के आदमी आए तो कहें कि हाँ जी पागबड़े एक अच्छी बस्ती है, साफ सुथरी बस्ती है, जो कि इसकी तारीफ बने और सबको इसको इसमें किसी तरह के वो नहीं पक्षपात नहीं करना चाहिए। इसको सफाई पर जो है सफाई दिन पर ध्यान विशेष देना चाहिए। सर, शनिवार का बाजार जामा मस्जिद पर सबसे ज्यादा समस्या कूड़े की है। आए दिन यहाँ पर कूड़ा पूरे ग्राउंड में पड़ा रहता है और इससे तमाम गंदगी होती है। आसपास के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको परेशानी होती है और बीमारी होने का अंदेशा है। और सर, मैं पागबड़ा चेयरमैन से अपील करता हूँ कि ये कूड़ा जल्द से जल्द उठवाया जाए और ये पूरे पागबड़े में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हुई पड़ी है। चेयरमैन कोई ध्यान नहीं देते सफाई सफाई पर। पूरे पागबड़ा की जिस गलियों में जाएंगे हम, वहाँ पर गंदगी ही गंदगी है। और सफाई कर्मी लगभग 150 बताते हैं ये लोग, लेकिन सफाई कर्मी 50-60 काम करते हैं, बाकी मालूम नहीं कहाँ जाते हैं और उनकी सैलरी कहाँ जाती है। क्या मांग करेंगे आप? सर, मैं मांग करूँगा कि पागबड़ा एक हमारा जामा मस्जिद, जो पूरे इलाके के लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं, आसपास से भी दूर दराज से यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं, तो मैं शासन और प्रशासन से अपील करूंगा कि हमारी जामा मस्जिद के आगे वसी मैदान है, इसमें बहुत सारा कूड़ा पड़ा रहता है। आज हमारा 30 जुम्मा मुकम्मल हुआ है, लेकिन सफाई का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है चेयरमैन की तरफ से। मैं अपील करूंगा कि हमारी ये सफाई ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। पूरे पागबड़े में ईद का त्यौहार आता है, सब में बेहतरीन सफाई हो, बढ़िया रास्ते साफ सुथरे हों, और मैं शासन से यही अपील करता हूँ। और ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।